नमस्कार साथियों, मैं अंशु द्विवेदी उपस्थित हूँ आपके सामने। एमपी पुलिस जो अभी 2023 में जो आज 12 तारीख को की जो आज सेकेंड शिफ्ट का जो आज एग्ज़ाम हुआ है उसकी एनालिसिस लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आज 12 अगस्त है और आज से एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम शुरू हुआ है। तो फर्स्ट शिफ्ट में कई जगह तो सेंटर मतलब एग्ज़ाम नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बताया कि एग्ज़ाम हुआ है। फिलहाल वो बात हम छोड़ते हुए हम अपने आगे जो हम जिस लिए हम आए हैं उस बात की हम चर्चा करते हैं। तो आज 12 अगस्त है और 12 अगस्त की जो सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है 12:30 से 2:30 बजे की शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है उसमें कैसा एग्ज़ाम का पैटर्न रहा और कैसे क्वेश्चन बने, किस चैप्टर से कितने बने, मैथ से कितने बने, रीजनिंग कितने क्वेश्चन बने, हम वो जानने की कोशिश करते हैं। मैंने अपने डिस्प्ले पे ये एक नोट लिख के मैंने लगा दिया है, आशा करता हूँ कि आप इसे देख के और समझ सकेंगे। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि जो पेपर था वो पेपर अच्छा था और ये जानकारी मुझे एक एग्ज़ाम सेंटर सतना में आदित्य कॉलेज है वहाँ पे एक लड़के के द्वारा ये पता चला, उसे बात करने में ये चीज़ें पता चली, तो मैंने ये सारी चीज़ें नोट करके मैंने आपके सामने मैं लाया हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेपर 100 नंबर का ही था, 100 नंबर का जैसे कि होता है, तो उसमें अब मैथ का वेटेज, रीजनिंग का वेटेज कितना था, तो मैथ और रीजनिंग उसके बताने के हिसाब से कुछ और लोगों से मेरी बातें हुई, उनके बताने के हिसाब से मैंने ये तैयार किया है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैथ और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो मैथ और रीजनिंग दोनों का वेटेज मिला के अगर हम बात करें तो 65 क्वेश्चन था, 65 क्वेश्चन थे मैथ और रीजनिंग के। अब इसमें मैथ 30 नंबर की थी, मतलब मैथ के क्वेश्चन कम थे, रीजनिंग के क्वेश्चन 35 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, टोटल 65 नंबर का था, मैथ 30 नंबर की, रीजनिंग 35 नंबर की थी। अब इसमें से जो बचा हुआ पोर्शन है तो अब इसमें से उसने क्या बताया कि जो विज्ञान के क्वेश्चन थे तो विज्ञान के 15 क्वेश्चन टोटल आए हुए थे, विज्ञान के टोटल 15 क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें कि सबसे ज़्यादा आए थे बायोलॉजी के क्वेश्चन, जिसमें सबसे ज़्यादा बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन आए थे। आप समझने की कोशिश कीजिए, बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन आए थे। अब जो 4 या 5 क्वेश्चन बचे वो केमिस्ट्री और फिजिक्स के, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के मिला के 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए थे, टोटल 15 क्वेश्चन आए हुए थे साइंस के। फिर एमपीजीके की हम बात करते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन एमपीजीके के आए हुए थे। अब करंट अफेयर कितने नंबर की आएगी, तो 2 से 3 नंबर की करंट अफेयर आई थी, 2 से 3 नंबर की करंट अफेयर आई थी। और करंट अफेयर 2023 के क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर में 2023 के क्वेश्चन पूछे गए थे। अर्थशास्त्र आई थी, अर्थशास्त्र के 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। भूगोल आई थी, भूगोल में 1 से 2 क्वेश्चन मिले, नॉर्मल क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे वो। अब उसमें से भूगोल में क्या पूछा गया था, सबसे ज़्यादा क्या पूछा गया था उसमें, अगर मैं बात करूं तो ठीक है, भूगोल के 2 क्वेश्चन, इतिहास के 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे, 3 से 4 क्वेश्चन इतिहास के आए हुए थे, ठीक है, हिस्ट्री के 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। अब हम इसमें अगर स्टैटिक जीके के अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर वेटेज था तो सबसे ज़्यादा वेटेज था इसमें शास्त्रीय नृत्य का था, मतलब लोक नृत्य के क्वेश्चन सर्वाधिक मात्रा में पूछे गए थे, मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लोक नृत्य के बारे में पूछे गए थे। तो ऐसा मानना है कि ESB जो है, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, वो 2 से 4 दिन ये अपना रूल जो है तो फॉलो करती है, वही स्टैंडर्ड चलाती है। तो आपको ये क्वेश्चन इनका आने वाले अभी समय में 1-2-3 दिन के अंदर है, वो इन क्वेश्चनों को देख लेंगे, शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य के क्वेश्चन, फिर इतिहास के 3 से 4 क्वेश्चन मैंने बताया, ठीक है। अब इसमें से जो MP के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो MP GK के 4 से 5 क्वेश्चन थे, वो किस किस टॉपिक से थे, तो उनमें से क्वेश्चन जो उन्होंने बताया तो भवन से क्वेश्चन पूछे गए थे, अभिलेख से क्वेश्चन पूछे गए थे, MP के CM, पहले CM या अभी कौन है CM या बीच के कोई भी CM पूछ सकता है, आज तो फिलहाल पहले CM पूछा गया था, तो अभिलेख से क्वेश्चन, CM से क्वेश्चन और अनुसंधान केंद्र, MP में जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं वो आपको देख के जाना है क्योंकि इससे आज क्वेश्चन बना हुआ था। अब हम बात करते हैं कि जो अर्थशास्त्र जो 2 नंबर के क्वेश्चन जो पूछे गए, तो उसमें से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था रेपो रेट से क्वेश्चन था, रेपो रेट से अर्थशास्त्र में 2 क्वेश्चन थे, लेकिन
एक दो लोगों से और बात कर रहे हैं, पता चला कि रेपो रेट से 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे, रेपो रेट के 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे। वही मुद्रा एवं बैंकिंग से भी एक क्वेश्चन था, मुद्रा एवं बैंकिंग से भी एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था। अब हम बात करते हैं, अगर कंप्यूटर की हम बात करें तो कंप्यूटर में 3 से 4 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए थे, जिसमें से क्वेश्चन आए थे मेमोरी से, मेमोरी जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन आए हुए थे, एमएस ऑफिस से क्वेश्चन आए हुए थे। हो सकता है शॉर्टकट की पूछा गया हो, इसलिए आपको ये पढ़ के जाना है। आज ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैं वो बता रहा हूँ, एमएस ऑफिस से क्वेश्चन आए थे, इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आए थे, कंप्यूटर की पीढ़ी किसका उपयोग किया जाता था, पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में, ये आपको पढ़ के जाना क्योंकि आज ये पूछा गया था। फिर जो एक क्वेश्चन बना था तो नेटवर्क एवं इंटरनेट से क्वेश्चन आज ये बना हुआ था। तो ये मैंने बात किया, क्या है कि कंप्यूटर की मैंने बात कर ली, MPGK की मैंने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि रीजनिंग से कैसे कैसे क्वेश्चन बने थे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग से 35 क्वेश्चन बने हुए थे। तो रीजनिंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज बने हुए थे, सबसे ज्यादा तो नहीं लेकिन दर्पण प्रतिबिंब से चार क्वेश्चन आज बने थे। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो 6 से 7 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से बने हुए थे। नंबर सिस्टम से अगर हम बात करें तो नंबर सिस्टम से 5 से 6 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से बने हुए थे। अब उसमें भी लुप्त नंबर, जो लुप्त मिसिंग नंबर होता है ना, तो 3 से 4 क्वेश्चन लुप्त नंबर के बने हुए थे, बीच के नंबर गायब रहते हैं, ठीक है। और डाइस से बने थे, 2 क्वेश्चन डाइस से बने थे। कथन निष्कर्ष से कुछ लोगों से बात करने में उन्होंने बताया कि बने थे, कुछ लोगों ने बोला नहीं बने थे। तो अगर हम मान के चले, एवरेज अगर लेके चले, तो कथन निष्कर्ष से 1 से 2 क्वेश्चन बने थे, कथन निष्कर्ष से 1 या 2 क्वेश्चन। आज पहले दिन का पेपर था तो पेपर कुछ इजी था। इजी था, अब दिन प्रतिदिन इसका जो है तो पेपर का थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब हमने बात किया यहाँ पे किया, ठीक है, ये डाइस के 2 क्वेश्चन हो गए। रैंकिंग में अगर हम बात करें तो वहीं रैंकिंग में ओवरलैपिंग से क्वेश्चन पूछे गए थे, रैंकिंग में ओवरलैपिंग से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, मिसिंग नंबर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे थे। लेटर सीरीज जो आती है ना कि ए लिखा हुआ है, फिर डैश लिखा है, फिर ए लिखा है, फिर बी लिखा है, मतलब बीच के मिसिंग जो नंबर होते हैं, एक क्रमागत सीरीज जो चलती आ रही है उसके बीच के जो मिसिंग नंबर होते हैं, उसके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। सब सर्वाधिक क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। ब्लड रिलेशन से अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे, ब्लड रिलेशन से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको देख लेना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं हम बात करें सिटिंग अरेंजमेंट की, तो सिटिंग बैठक व्यवस्था की 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, बैठक व्यवस्था की 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो मैंने जो विज्ञान में से बायोलॉजी का जो 10 नंबर का बताया, तो उसमें से क्वेश्चन किसके सबसे ज्यादा पूछे गए थे, तो उसमें पूछे गए थे पहला तो कोशिका विभाजन चैप्टर आपको ठीक से पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर से आज एक क्वेश्चन बना था। जंतुकारिकी आपको पढ़ के जाना है, जंतुकारिकी से आज 2 से 3 क्वेश्चन आज बने थे। पादप जगत आपको देखना है, क्योंकि पादप जगत से आज 2 से 3 क्वेश्चन बने थे। पादप व जंतुओं का संगठन, जैसे कि आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलस्का संघ, ये आपको पढ़ के जाना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन आज बने हुए थे। फिर हम बात करते हैं मानव में जो रोग होते हैं, है ना, तो मानव में रोग उनसे क्वेश्चन आज बना हुआ था। प्लस क्वेश्चन बना हुआ था वैज्ञानिक नाम होते हैं उनसे क्वेश्चन बना हुआ था, ठीक है। ये हमने बात किया, रीजनिंग की बात किया, साइंस की बात की, MPGK की बात किया, बायोलॉजी में कहाँ से बनते हैं, अर्थशास्त्र का हमने बात किया, करंट का हमने बात किया, सारी चीजें हमने बात कर लिया। अब हम लास्ट में बात करते हैं सबसे कि मैथ्स में किसके कितने क्वेश्चन बने हुए थे, ठीक है। तो मैथ की हम बात करते हैं तो आपको पता है, जैसा कि मैंने बताया और इस पेपर में भी मेंशन है, कि मैथ के क्वेश्चन 30 नंबर मैथ के क्वेश्चन बने हुए थे, मतलब 30 क्वेश्चन मैथ के बने हुए थे। अब उसमें कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले SI और CI के क्वेश्चन, इसमें SI CI मैंने जरूर लिखा है, पर लोगों ने बताया, लड़कों से जैसे कि स्टूडेंटों से बात हुई, अभ्यर्थियों से, तो उन्होंने बताया कि CI के मात्र 3 क्वेश्चन। वहीं कुछ लोगों से बात करने में उन्होंने बताया कि SI के आए थे, उसमें से 1-2 SI के क्वेश्चन मिक्सचर में थे, कि SI इतना लिखा हुआ था और वर्ष लिखा हुआ था और रेट लिखा हुआ था, तो उसमें CI पूछा गया था, है ना। तो आपको देखना है CI SI के 3 क्वेश्चन आज पूछे थे। एज, वहीं आपको आयु पढ़ के जाना है, क्योंकि आयु से 2 क्वेश्चन आज बने थे, आयु से 2 क्वेश्चन, आगे इससे और भी अच्छे क्वेश्चन बनने की उम्मीद है।
आयु आपको देखना है। अगर मैं वहीं अगर मैं बात करूं कि लाभ हानि, तो लाभ हानि से एक से दो क्वेश्चन बने थे, नॉर्मल क्वेश्चन बने थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। सरलीकरण की मैं बात करूं, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन तीन से चार नंबर का सिंप्लीफिकेशन आया हुआ था, तीन से चार नंबर का सिंप्लीफिकेशन आया हुआ था, नॉर्मल था। मतलब जो भी क्वेश्चन आए थे ना आज, तो वन लाइनर क्वेश्चन थे। पहली बात तो ये सबसे बड़ी बात है कि वन लाइनर क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रतिशत के वहीं तीन क्वेश्चन पूछे गए थे, परसेंटेज के तीन क्वेश्चन पूछे गए थे। आयु का मैंने आपको बता दिया कि आयु के एक से दो क्वेश्चन पूछे गए थे। विभाज्यता, जैसा कि पीबी ने पुराने पिछले ईयर में विभाज्यता के क्वेश्चन पूछे थे, इस वर्ष भी वैसा ही है कि दो से तीन क्वेश्चन विभाज्यता के आज पूछे गए हैं। बात करते हैं हम फिर कि वृत्त से एक क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ग से एक क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रेन से। अब यहाँ पे कुछ लोगों से बात करने में उन्होंने बताया कि ट्रेन का एक क्वेश्चन बना था, कुछ ने बोला कि नहीं बना था, फिर भी अगर हम मान के चलें तो एक क्वेश्चन आज ट्रेन से बना था। क्षेत्र मिति की अगर हम बात करें, मेंसुरेशन की बात करें, तो मेंसुरेशन से आज दो क्वेश्चन बने हुए थे। यानी कि कुल मिला के ये है कि अगर इसमें से अगर हम पूरे का अगर सार निकालें तो 2D और 3D से दो क्वेश्चन, 2D और 3D से लगभग दो क्वेश्चन। वहीं अगर हम एडवांस मैथ की अगर बात करें तो एडवांस मैथ से टोटल क्वेश्चन, तो तीन से चार क्वेश्चन आज एडवांस मैथ के बने हुए थे। ठीक है, अब मेरे पास कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, जो क्वेश्चन आए हुए थे दो से तीन क्वेश्चन है, आप उनको देखिए। एक पहला क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके में जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था चुनाव आयोग से संबंधित था क्वेश्चन, वो चुनाव आयोग आपको पढ़ के जाना, मतलब आयोग आपको सारे पढ़ के जाना है। प्लस आता है पर्यावरण दिवस आज पूछा गया था, है ना, तो आपको दिवस पढ़ के जाना है। ये तो निश्चित है कि एक प्रतिदिन एक ना एक दिवस पूछा ही जाता है, ठीक है, और क्यों मनाया जाता है ये भी पढ़ के जाना। तो पर्यावरण दिवस आज पूछा था, तो दिवस आपको पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पूछा गया था आज, अनुच्छेद 15 पूछा गया था, आपको अनुच्छेद इंपॉर्टेंट पढ़ के जाना है, प्लस संशोधन पढ़ के जाना है आपको। एमपी में भवन, जो एमपी में भवन बने हैं, ठीक है, जो किले बने हैं वो आपको पढ़ के जाना है। एमपी में नदियां, वो आपको पढ़ के जाना है। तो ये आज का ये पेपर का एनालिसिस था, और ये एनालिसिस किसके द्वारा बताया गया, ये राहुल सोनी के द्वारा, उनके 79 नंबर आए हैं। उनका एग्जाम सेंटर सतना आदित्य कॉलेज मध्य प्रदेश में था, ठीक है। तो ये हुआ आज का एनालिसिस, और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए, ऐसी ही अपडेट पाने के लिए बने रहे मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।